सुनो भाइयों और बहनों, सबको हिम्मत और दिमाग की कहानी पसंद है ना? तो चलो आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसने भारत की तकदीर बदल दी। 9 अगस्त 1925, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 बहादुरों ने एक खतरनाक मिशन हाथ में लिया। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की अगुवाई में उन्होंने अंग्रेजों के खजाने वाली ट्रेन लूटने का प्लान बनाया ताकि आजादी की लड़ाई के लिए पैसे जुटाए जा सके। माउजर पिस्टल से लैस होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास ट्रेन रोकी। उनका यह साहसी कदम सिर्फ एक चोरी नहीं था बल्कि अंग्रेजी राज के खिलाफ एक बयान था। लेकिन सोची समझी प्लानिंग के बावजूद एक यात्री की अचानक मौत ने गंभीर नतीजे लाए। अंग्रेजों ने जमकर जवाबी कार्रवाई की, कई लोगों को फांसी और लंबी कैद की सजा सुनाई। लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उनके इस बहादुरी भरे काम ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और भारत की आजादी की लड़ाई पर एक अमिट छाप छोड़ी। काकोरी ट्रेन एक्शन उन लोगों की हिम्मत और बहादुरी का सबूत बनकर रह गया जिन्होंने एक आजाद भारत के लिए लड़ाई लड़ी। याद रखो, क्रांति की मशाल जलाने के लिए बस कुछ लोग ही काफी होते हैं। तुम क्या करोगे फर्क लाने के लिए?